हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय। दोस्तों आज मेरे पास एक आईफोन 6। तो दोस्तों इस फ़ोन में प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये फ़ोन पानी जाने से ये फ़ोन बंद हो गया है। तो दोस्तों इस ये पानी में डूबा तो नहीं है, लेकिन ऊपर से जो हल्का फुल्का पानी होता है वो गया था। तो उसके बाद फ़ोन चार्जिंग पर लगाया और ये बंद हो गया। तो दोस्तों आप देखिए, चार्जिंग पर भी ये फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है, कुछ भी डिस्प्ले में शो नहीं कर रहा है। तो ये दिक्कत है। तो दोस्तों मेरे को ये एहसास हो रहा है बैक साइड से कि फ़ोन चार्ज हो रहा है, क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा अर्थिंग सा इसमें पीछे से आ रहा है कि कोई झंझनाता है वैसा आ रहा है, यानी कि फ़ोन में करंट है लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे इस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व किया है। ये तो आपको कुछ दोस्तों इस वीडियो से नॉलेज मिल जाएगी कि ऐसे फ़ोनों की प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया जाए। दोस्तों आईफोन कोई सा भी हो तो आप उसको कैसे रिपेयर कर सकते हो वो मैंने आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले बेसिकली मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या क्या स्टेप आपको करने होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर फ़ोन कभी पानी में गिर जाए तो आप उसको ऑन मत करना। तो सबसे पहले तो खोल के उसके बोर्ड फ़ोन को उसके मदरबोर्ड की सर्विसिंग करनी होती है। तो मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए ये फ़ोन कभी खुला नहीं है, फर्स्ट टाइम हो रहा है, लेकिन सब कुछ मैंने सैन करवा रखे हैं कस्टमर के। तो उसको फर्स्ट टाइम करना है, तो चलिए मैं इसको पहले सारे पार्ट खोल लूँ। तो मैंने पहले बैटरी कनेक्टर की जो पत्ती होती है वो मैंने हटा दी है, ओके। ये बैटरी कनेक्टर पहले वो निकाल दिया है ताकि मैं इस पर दूसरी बैटरी चेक करूँ। तो देखिए दोस्तों ये दूसरी बैटरी है, मैं इस पर लगा के इसको चेक करता हूँ कि ये फ़ोन ऑन हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो देखिए मैं चार्जिंग पे डायरेक्ट लगाऊंगा, तो यहाँ चार्जिंग पे लगाया लेकिन ये फ़ोन ऑन नहीं हुआ, ठीक है। तो दोस्तों फ़ोन के बैक साइड जो इसकी जो मेटल की बॉडी है उस पर थोड़ी हीटिंग वो अर्थिंग सी आ रही है, लेकिन फ़ोन चालू नहीं हो रहा और ना ही ये फ़ोन कहीं से गर्म हो रहा है ताकि पता लगे कि फ़ोन में शॉर्टिंग है, ठीक है। तो दोस्तों यही दिक्कत फ़ोन में है कि ये फ़ोन चालू नहीं हो रहा। तो दोस्तों बैटरी से भी ये फ़ोन चालू नहीं हुआ है, तो मैं अब क्या करूँगा दोस्तों, इसके नेक्स्ट पर चलते हैं। तो दोस्तों इसकी जो डिस्प्ले है वो डिस्प्ले एक बार चेक कर लो कि डिस्प्ले कहीं ख़राब ना हो, पानी की वजह से दोस्तों डिस्प्ले भी ख़राब हो सकती है। तो चलिए मैं पहले इसकी डिस्प्ले को उतार दूंगा, पहले प्लेट खोलता हूं ऊपर की, ठीक है। तो दोस्तों ये मेरी दूसरी डिस्प्ले है, वो मैं इस पर चेक करता हूं लगा के। तो देखिए ये डिस्प्ले है, तो मैं इसकी डिस्प्ले तस का पत्ता, दोस्तों इससे कंफर्म हो जाएगा कि हमारी बैटरी से भी ऑन नहीं हुआ, इस डिस्प्ले से ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि दोस्तों डिस्प्ले में वो ऑन नहीं हुआ था। क्या पता डिस्प्ले भी फॉल्टी हो सकती है, ब्लैंक हो सकती है, उसको भी करना है चेक। दोस्तों आपको डायरेक्टली मदरबोर्ड पे काम नहीं करना, पहले आपको यही स्टेप चेक करने हैं। तो देखिए दोस्तों डिस्प्ले लगाने के बावजूद भी फ़ोन ऑन नहीं हुआ। तो दोस्तों हमारे जो बेसिक्स जो स्टेप थे दो मेन, जो कि बैटरी और डिस्प्ले दोनों हमने चेक कर लिए हैं, दोनों में से कहीं भी फ़ोन ऑन नहीं हुआ है। तो इसका मतलब दोस्तों फ़ोन के अंदर ही कोई दिक्कत है, लेकिन बैक साइड हीटिंग कर रही है, मतलब शॉर्ट हो रही है, तो उस चक्कर में फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे कि हमें करना क्या है। तो दोस्तों सबसे अब हम इसके मदरबोर्ड को कि निकालेंगे और ताकि देखेंगे कि पीछे पानी वानी कहीं गया है कि नहीं गया, कि दोस्तों ऊपर से तो पानी कहीं दिख नहीं रहा है, हम इसकी बैक साइड देखेंगे, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये वोल्टेज चेक करा दूँ कि इसमें शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं है। मदरबोर्ड निकालने से पहले मैं एक बार शॉर्टिंग चेक कर लेता हूँ। तो मल्टीमीटर को बीप मोड में लेके आना है, उसके बाद आपको दोनों ब्लैक एंड रेड पोर्ट बैटरी कनेक्टर के प्लस एंड माइनस पर लगाने हैं। तो दोस्तों एक साइड रीडिंग आ रही है 450 और एक साइड भी ज़्यादा आनी चाहिए, यहाँ भी पानी चाहिए, लेकिन यहाँ दोस्तों 531 आ रही है, ये 550 ऐसे कुछ आ रही है, लेकिन दोस्तों इतना नहीं आना चाहिए, यानी कि बोर्ड में हाफ शॉर्टिंग हैगी। तो दोस्तों ये शॉर्टिंग इतनी नहीं आनी चाहिए, लेकिन ये हाफ शॉर्ट बोर्ड बता रहा है। दोस्तों 1000 के ऊपर रीडिंग आनी चाहिए, लेकिन इसमें 500 ही आ रही है, एक साइड 500 आ रही है, एक साइड 400 आ रही है, जबकि एक साइड 400 एक साइड 1000 आती है, यह कम आ रही है। तो दोस्तों मैंने देखिए इसका मदरबोर्ड को निकाल लिया है, और यहाँ देखिए दोस्तों दिख गया, यहाँ पे पानी जो है कि काफ़ी गया हुआ है। तो दोस्तों ऊपर के जो अपर साइड है यहीं पे पानी सारा है, जहाँ पे ये वाईफाई नेटवर्क एनसीएन की आईसी है, तो इसके पास देखिए यहाँ पानी जमा हुआ है, ये सारा सेक्शन जो है कि दोस्तों वाइट हो चुका है, ये जला हुआ है, और यहाँ पर देखते हैं और कहीं पानी तो नीचे दिख नहीं रहा है, लेकिन बस इसके ऊपर वाले हिस्से में ही पानी है जहाँ पर ये प्लेट जा रही है, और यहाँ पर भी सारा पानी है, यहाँ पे दोस्तों पानी है। तो दोस्तों मतलब यहाँ के इसकी वजह से ही फ़ोन ऑन नहीं हो रहा, यहाँ पे देखिए जला हुआ है, लेकिन देखते हैं कहीं पे शॉर्टिंग है, तो उसको चेक करते हैं। तो पहले मैं दोस्तों इसे क्लीन कर लूँगा, आपको ये थिनर से इसे क्लीन कर लेना है, जो हमारा क्लीनर होता है उसे आपको मोबाइल क्लीनर से उसे क्लीन करना है। तो चलिए मैं क्लीन कर लेता हूँ।
तो क्लीनर डाल के दोस्तों फिर इस पर ब्रश से अच्छे से साफ़ करना है, जो भी पानी होगा वो आपको बिल्कुल ही इसमें से साफ़ कर देना है। दोस्तों वाटर डैमेज फ़ोनों को आप पहले इसी स्टेप से ही चेक करना दोस्तों, क्योंकि बोर्ड में दिक्कत हो सकती है कि पानी है इसकी वजह से ही फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है। तो बहुत से लोग सोचते हैं दोस्तों कि चावल में डाल देंगे हमारा फ़ोन भाई सही हो जाएगा, लेकिन दोस्तों चावल में डालने से धूप में रखने से नहीं सही होता दोस्तों, किस्मत की बातें, हो गया तो हो गया, वरना दोस्तों तो पानी बोर्ड में आ गए तो कैसे धूप में सूखेगा और कैसे चावल में सूखेगा, ये सब नहीं हो सकता, ठीक है। तो दोस्तों आप इसे आपको किसी मोबाइल शॉप पर ले जा कर ही इसे करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो सीट है इसके नीचे भी पानी हो सकता है, मैं इसको उतार देता हूँ, थोड़े से उतारूँगा इसको। तो दोस्तों इस कॉम्पोनेंट जितने लगे हुए हैं यहाँ पे पावर आईसी टच आईसी जो भी लगी है यहाँ पे, तो फिलहाल पानी थोड़ा बहुत नहीं है, फिर भी एक बार साफ़ कर लेते हैं इसको क्लीनर से, ठीक है। इसको मैं एक बार साफ़ कर देता हूँ, जो भी पानी यहाँ पे गया होगा वो भी साफ़ हो जाएगा, ज़रूरी नहीं कि ऊपर ही पानी हो, ठीक है दोस्तों। तो ये प्रॉपरली साफ़ कर दिया है। तो दोस्तों इसको सुखाने के बाद अब इसको हम मदरबोर्ड में फिट करते हैं, फिर चेक करते हैं कि हमारा फ़ोन ये ऑन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मैं पहले दोस्तों बेसिकली उसको ऊपर से लगा दूंगा, मैं पूरा फिक्स नहीं करूंगा, खाली चार्जिंग पत्ता और डिस्प्ले फिक्स करूंगा तभी कंफर्म हो पाएगा, ओके। तो दोस्तों आप बस इन्हीं स्टेप को फॉलो करिए, आपका फ़ोन रिपेयर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप बेसिक कोई भी मदरबोर्ड ज़्यादा छेड़छाड़ करो, आप इन चीज़ों से ही पहले स्टेप बाय स्टेप शुरुआत करिए, आपका फ़ोन ऑन होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। डायरेक्टली आप इसको मना मत करना कि बोर्ड ख़राब है, पहले ये सब चीज़ चेक करना, ठीक है। वाटर डैमेज फ़ोनों को दोस्तों पहले यही करना होता है, सिर्फ क्लीनिंग वगैरह करनी होती है। तो चलिए मैं इसे दोस्तों मैं चार्जिंग लगाता हूँ, बैटरी लगा दी, डिस्प्ले लगा दी है, देखता हूँ यहाँ से। तो दोस्तों क्लीनिंग के बाद भी ये ऑन नहीं हुआ है, यानी कि दोस्तों क्लीनिंग के बाद नहीं हुआ, अब दोस्तों क्या है कि इसका जो मदरबोर्ड है अब वो शॉर्ट हो गया है, यानी कि चालू फ़ोन किया होगा तो ये पानी की वजह से वो शॉर्ट हो गया है। तो अब दोस्तों हमें इसका मदरबोर्ड को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों मदरबोर्ड जो है कि हाफ शॉर्टिंग बता रहा था, लेकिन अब इसमें अभी भी शॉर्टिंग नहीं हटी है, ओके। दोस्तों ये हुआ नहीं है तो अभी डिस्प्ले को उतार देता हूँ, फिर इसमें हम चेक करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो दोस्तों अब बोर्ड में ही शॉर्टिंग है, तो अब शॉर्टिंग को ही चेक करेंगे, वो शॉर्टिंग हटी नहीं है यानी कि हाफ शॉर्ट है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ चेक करके। तो दोस्तों आपके मल्टीमीटर को बीप बटन मोड पर लाना है, बीप मोड पर लाना है, उसके बाद आपको प्लस और माइनस चेक करना है। दोस्तों जो रेड वाला है वो आपको ग्राउंड करना है, ग्राउंड करने के बाद आपको जो ब्लैक वाला है उससे आपको टेस्टिंग करनी है। तो दोस्तों हमें इसी एरिया में चेक करना है, दोस्तों इस एरिया में पानी था, यहीं पे जला हुआ था, तो हमें ये चेक करना है। दोस्तों यहाँ पे जो डाउट है ये कैपेसिटर के ऊपर है, कैपेसिटर देखिए यहाँ पर शॉर्ट, ये एक तरफ से बीप आ रहा है और एक तरफ से रेडिंग आनी चाहिए। तो दोस्तों ये दोनों तरफ से ही बीप आ रहा है, यानी कि ये कैपेसिटर ही शॉर्ट लग रहा है। तो दोस्तों ये कैपेसिटर के ऊपर पानी जमा हुआ था, तो इसकी वजह से ये कैपेसिटर शॉर्ट है, तो शायद इसी की वजह से ही फ़ोन में दिक्कत आ रही है। तो चलिए मैं एक ब्लेड की वजह से इसकी जो कैपेसिटर है इसको निकाल देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको काफ़ी ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये पेस्टिंग से चिपका होता है कैपेसिटर, तो कोई मदरबोर्ड पर कोई स्क्रैचेस ना आ जाए या फिर कोई आसपास कॉम्पोनेंट टूट ना जाए, या आप इसको किसी SMD से या फिर किसी पतली चीज़ से निकालें। तो मैं इसे ब्लेड से निकालता हूँ, ओके। तो दोस्तों मैंने ये कैपेसिटर को जो कि निकाल रिमूव कर दिया है, तो ठीक है। तो अब इसको साफ़ कर देता हूँ ताकि कोई धूल, ध्यान से देख लो कुछ रह ना गया हो, ओके। तो दोस्तों मैंने अब इसको निकाल दिया है और अब इसके मदरबोर्ड को जो है कि फ़िक्स कर लेते हैं, यहाँ से इसके मदरबोर्ड को फिक्स कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ से इसका ऑन ऑफ पत्ता है, वॉल्यूम पत्ता है, ओके। तो दोस्तों इसके फिक्स कर देता हूँ आराम से। तो अब दोस्तों इसकी शॉर्टिंग जो है कि पहले चेक करता हूँ कि ये शॉर्टिंग हटी है कि नहीं हटी है, दोबारा से इसको बीप बोर्ड पे लागे आपको दोनों पोर्ट से चेक करना है यहाँ से प्लस माइनस पे। तो देखिए दोस्तों एक तरफ 450 आ रही है पहले की तरह आ रही है, और यहाँ पर कितना आ रहा है 1000 से ऊपर आनी चाहिए, देखिए दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 1000 से ऊपर आ रही है, यानी कि दोस्तों पहले कितना 550 था, और अब देखिए यहाँ पे 1800 आ रहा है, यानी कि शॉर्टिंग लगभग हट चुकी है। तो दोस्तों आईफोन में एक तरफ रीडिंग दोनों तरफ ही रीडिंग आती है, एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम होती है, लेकिन पहले क्या था दोस्तों इस फ़ोन में दोनों बराबर थे इसलिए हाफ शॉर्टिंग थी। तो चलिए मैं आपको चेक करता हूँ डिस्प्ले लगा के। तो मेरे को चांसेस है दोस्तों इस चीज़ से ऐसे करने से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, यानी कि दोस्तों हमारी शॉर्टिंग ही थी फ़ोन में जिसकी वजह से फ़ोन ऑन नहीं हो रहा था, बोर्ड हमारा शॉर्ट हो गया था। तो मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली लगा के, इस पर बैटरी लगा देता हूँ और आप इसमें चार्जिंग कनेक्ट करता हूँ, फिर देखते हैं कि ऑन होता है नहीं। तो चलिए कनेक्ट कर दिया,
तो देखिए दोस्तों, फ़ोन ऑन हो गया, लोगो आ गया एप्पल का, यानी कि फाइनली हमारा फॉल्ट जो था वो सॉल्व हो चुका है। तो देखा दोस्तों, फिर भी दोस्तों वेट कर लेते हैं कि कहीं एप्पल लोगो पे स्टक ना हो जाए या फिर कोई बंद ना हो जाए। तो दोस्तों जो भी था प्रोसेस, मैंने आपको दिखाया किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चेक किया, पहले बैटरी को चेक किया, उसके बाद डिस्प्ले को चेक किया, फिर बोर्ड को क्लीन किया, उसके बाद फ़ोन में शॉर्टिंग चेक करी, शॉर्टिंग के बाद जब चेक किया हाफ शॉर्ट निकला, ये चीज़ें करी थी, फिर जाके हुआ था। तो देखिए दोस्तों, फाइनली पूरा फ़ोन कम्प्लीटली ऑन हो गया है, यहाँ से टच भी चल रही है, तो प्रॉपर टच भी ओके है दोस्तों। फाइनली ये फ़ोन अब ओके हो गया है, सब कुछ चल रहा है, और ये टच आईडी भी हाँ वर्क कर रही है, टच आईडी भी चल रही है, तो सब कुछ चल रहा है दोस्तों। बाकी तो पासकोड है, हम तो पासकोड से हमें कुछ मतलब नहीं है, लेकिन हमने प्रॉपर ही फ़ोन को चालू कर दिया है। तो देखा दोस्तों किस तरह इस फ़ोन को मैंने चालू किया था, आपको समझ में आ गया होगा जो जो स्टेप होते हैं करने वाले, इस तरीके से कर सकते हो। पहले मैंने क्या क्या स्टेप किया था, बैटरी चेंज की, डिस्प्ले चेंज करी, बोर्ड की शॉर्टिंग चेंज करी, क्लीनिंग करी, फिर शॉर्ट चेक किया, उसके बाद जो शॉर्टिंग निकली वो कैपेसिटर पर निकली वो रिमूव किया, उसके बाद जाके दोस्तों ये फ़ोन चालू हुआ है। तो दोस्तों देखा आपने, कोई बड़ा काम नहीं था, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाली बात है या फिर मना कर दो, ये दोस्तों बेसिकली स्टेप होते हैं, आप इनसे से चेक कर लीजिए और इस फ़ोन को करिए, बेसिकली ऑन हो जाएंगे। देखिए बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, देखिए जो पुरानी वाली बैटरी थी वो भी अब चार्ज होने लग गई है। ओके, तो दोस्तों फाइनली हमारा फ़ोन अब ऑन है, यानी ठीक है। तो मैं इस फ़ोन को अब प्रॉपर पैक कर दूँगा ताकि हम इस फ़ोन को दे सकें। तो चलिए मैं इस फ़ोन को पहले पैक कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने पूरा फ़ोन पैक कर दिया है, यहाँ से सारे के सारे जो स्क्रू होते हैं सब लगा दिए हैं, सारी प्लेटें लगा दी हैं, जितने भी थे यहाँ पे प्लेट लगा दी है, नीचे वाली प्लेट लगा दी है। जैसे दोस्तों जैसी कंडीशन थी साफ़ सुथरी, वैसी ही कंडीशन है, तो अच्छा ही काम है दोस्तों, साफ़ सुथरा काम किया है, कोई भी चीज़ की बेकार चीज़ नहीं हुई है, जैसा था वैसा ही हमने ब्रांड न्यू कर दिया है और उसको फिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो देखा दोस्तों किस तरीके से मैंने इस आईफोन 6 की तो डेड हो गया था, उसे कैसे ठीक किया, कैसे इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो अगर आप भी मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो मैं काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो जो है कि डालता रहता हूँ, जिससे कि आपको सीखने में काफ़ी हेल्प होगी, काफ़ी नॉलेज मिलेगी। और दोस्तों अगर आप दिल्ली में रहते हो, अगर आप हमसे मोबाइल रिपेयरिंग करना चाहते हो, तो मैं दिल्ली में होम सर्विस देता हूँ, जिससे कि आप घर पर ही फ़ोन को ठीक कर देंगे, जो नहीं होता है उस फ़ोन को लेके जाके इस तरीके से ठीक करके आपको नेक्स्ट डे दे दूँगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से कर सकते हो। बाकी दोस्तों आपको फ़ोन कूरियर करना, कूरियर भी कर सकते हो, लेकिन हमारा दोस्तों कोई कैश ऑन डिलीवरी नहीं है और एडवांस पेमेंट भी चलती है, तो ठीक है। तो दोस्तों यही सारा प्रोसेस है, क्योंकि दोस्तों जो भी आप दिल्ली के बाहर हो तो कैश ऑन डिलीवरी बिल्कुल नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा दोस्तों आपको एडवांस ही पेमेंट करनी पड़ेगी, चाहे फ़ोन भेजो या स्पेयर पार्ट मंगवाओ, सब में मैं एडवांस ही पहले लूँगा, उसके बाद ही पार्ट्स बेचेंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से फ़ोन को अब कर दिया है चालू, तो आप उस फ़ोन को हम दे देंगे कस्टमर को, वो खुश हो जाएंगे। तो आई होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया, तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक गुड बाय एंड टेक केयर।